केरल के एर्नाकुलम में हुए धमाके की जांच शुरू हो चुकी है। इसके लिए एंटी टेररिज्म टीमें और एनएसजी घटना स्थल का मुआयना कर रही हैं। वहीं शुरुआती आंच में ये बात सामने आई है कि इस घटना को टाइमर डिवाइस से अंजाम दिया गया है। इसके अलावा विस्फोटक में छर्रे नहीं होने से अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्लास्ट के जरिए नुकसान पहुंचाने के बजाय बड़ा मैसेज देने का इरादा था। गौरतलब है कि चर्च में हुए धमाके में एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि 36 अन्य लोग घायल हो गए थे। ये विस्फोट यहोवा के साक्षी नामक धार्मिक सभा के दौरान हुआ। इस ईसाई धार्मिक समूह की स्थापना 19वीं सदी में अमेरिका में हुई थी।